हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 5 सरकार के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकार के अंग पर, सरकार के स्तर पर, सरकार के प्रकार पे और लोकतांत्रिक सरकार पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सरकार के अंग से। बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि सरकार को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं या विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। ये सारे निर्णय जो होते हैं जनता के हित तथा देश के विकास के लिए होते हैं। पर क्या आप सोचे हो कि किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक व्यक्ति के बस में है कि वो सारे निर्णय ले सके और सारे निर्णय को सफलतापूर्वक लागू कर सके? नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, सरकार के नियमों को लागू करने के लिए और उनकी देखरेख करने के लिए सरकार के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। तो बच्चों, सरकार के विभिन्न अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि विधायिका क्या होती है। तो बच्चों, विधायिका जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से ही बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है और ये राज्य के हित में नीति बनाने का भी कार्य करते हैं, जैसे कि संसद और विधानसभा। दूसरे अंग है कार्यपालिका। तो बच्चों, ये कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका सरकार की प्रशासनिक इकाई है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो कार्यपालिका की ही होती है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। तीसरा अंग है न्यायपालिका। जैसे कि नाम से ही संबोधित होता है, न्याय अर्थात कानून का पालन नहीं करने वाले को सजा देने का जो हक है या सजा देने का जो कार्य है वो न्यायपालिका करती है। अर्थात न्यायपालिका कानून की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का भी कार्य करती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करेंगे सरकार के स्तर पे। तो बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा कि सरकार अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सरकार इसका इंतजाम कैसे करती है? बच्चों, वास्तव में सरकार अलग अलग स्तरों पे कार्य करती है, जैसे कि स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर को इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राज्य स्तर को स्टेट गवर्नमेंट और राष्ट्रीय स्तर को सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। बच्चों, स्थानीय स्तर का मतलब होता है किसी स्थान पे, अर्थात गांव, शहर या मोहल्ले से, जैसे कि रांची, पटना, गया। तो जो स्थानीय स्तर पे जो सरकार होगी वो किसी स्थान का, जो हमने स्थान की जिक्र की, पर्टिकुलर स्थान की देखभाल करेगी, वहां के लिए कानून, वहां के लिए व्यवस्था और वहां के विकास में सहयोग देगी। चलिए अब दूसरा है आपका राज्य स्तर पे। अर्थात इसका तात्पर्य है वह सरकार जो पूरे राज्य को ध्यान में रख के काम करती है, जैसे कि झारखंड राज्य, मेघालय राज्य, राजस्थान राज्य,
अर्थात यहाँ की जो सरकार होगी वो जो भी नियम कानून बनाएगी या जो भी सुविधा देगी वो पूरे राज्य की जनता को ध्यान में रखते हुए करेगी। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पे। तो बच्चों, जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है उसका जो संबंध है वो पूरे देश से होता है, अर्थात वो जो भी नियम कानून व्यवस्था या जो भी सुविधा देगी वो पूरे देश के जनता को ध्यान में रखते हुए देगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे सरकार के प्रकार पे। बच्चों, कोई भी सरकार अपने कार्यों के लिए फैसला लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? तो इसका उत्तर है, या इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। तो बच्चों, सरकार के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा राजतांत्रिक सरकार और तीसरा तानाशाह सरकार। चलिए अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है। बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार में प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है, अर्थात सरकार का जो गठन है वो जनता करती है। लोकतांत्रिक सरकार का अगर हम उदाहरण देखें तो लोकतांत्रिक सरकार में आता है भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि। इसमें क्या होता है कि जो जनता होती है वो चुनाव के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि भारत में चुनाव कैसे होता है। चुनाव के दौरान हाथ के नाखून पे एक काली रंग की स्याही लगा दी जाती है ताकि एक ही व्यक्ति दोबारा वोट ना दे सके और सही प्रतिनिधि का चुनाव हो सके जो जनता के पसंद का हो। दोस्तों, लोकतंत्र में किसी भी सरकार को उन आधारों को बताना होता है जिसपे वह अपने निर्णय लेती है एवं जनता के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाती है। उसे यह सफाई देनी होती है कि उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो जनता के हित में है। दूसरी तरह की जो सरकार होती है वो है राजतंत्रीय सरकार। जैसा कि आपने बचपन में अपने मम्मी पापा से कहानी सुनते आए होंगे राजा रानी की, अर्थात जो राजा होता था वो पूरी प्रजा पे शासन करता था, या फिर राजा के अनुपस्थिति में रानी जो होती थी वो पूरे प्रजा पे या अपने राज्य पे शासन करती थी। तो बच्चों, ये राजतंत्रीय सरकार कुछ उसी प्रकार का होता है। इसमें राजा और रानी होते हैं और राजा और रानी के मरने के बाद अनुवांशिक रूप से उनका जो बेटा है वो राजा के पद पे नियुक्त होता है और पूरे देश पे शासन करता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण है सऊदी अरब, भूटान और स्विट्जरलैंड। और तीसरे प्रकार की जो सरकार है वो है तानाशाह राष्ट्र। यह सरकार एक अलग ही प्रकार की सरकार है जिसमें किसी राष्ट्र का जो शासक है वो समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। बच्चों, इस प्रकार के शासक को तानाशाह कहा जाता है एवं राष्ट्र तानाशाही राष्ट्र कहलाता है। बच्चों, तानाशाही सरकार में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक के हिसाब से सरकार चलती है। इसका बेहतरीन उदाहरण है उत्तरी कोरिया, जहां पे सरकार तानाशाही सरकार कहलाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक सरकार पे। क्या आपको पता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को
प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है। बच्चों, विश्व के कई और देश भी जो है लोकतांत्रिक शासन को यूज करते हैं, अर्थात वहां पे लोकतांत्रिक शासन है। लोकतंत्र की मूल विचार यह है कि नियमों को बनाने में लोगों की जो भागीदारी है वह सुनिश्चित होनी चाहिए, अर्थात जो भी वहां पे नियम बनेंगे वो लोगों के हित को देखते हुए या लोगों के हित को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता का शासन भी कहलाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो वोट की प्रक्रिया से जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो जनता के हित के और उनके विकास के लिए ही कार्य करते हैं। दोस्तों, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के हित में निर्णय लेते हैं और हम इस बात की चर्चा पहले कर चुके हैं। बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार को ज्यादातर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। बच्चों, हमेशा से ऐसा नहीं होता था कि सबको वोट देने का समान अधिकार होता था। पहले वोट देने का अधिकार सिर्फ धनी पुरुषों को ही होता था, महिलाओं की तो बात छोड़ ही दीजिए। पर सन 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, आप ध्यान से सुनिएगा कि गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहा के ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी का होने का गुनाह किया। बच्चों, गांधी जी के इस कथन का प्रभाव पूरे देश पे पड़ा और वोट देने का समान अधिकार सभी महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से मिला, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने सरकार के अंग, सरकार के स्तर, सरकार के प्रकार और लोकतांत्रिक सरकार पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस था सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।